नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें भाजपा प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कमलजीत जी के परिवारजनों के द्वारा 400 करोड़ का घोटाला किया गया। मैंने कमलजीत सहरावत जी से सवाल किया, मैडम आप आकर इस पर जवाब दीजिए, लेकिन मैडम ने साफ मना कर दिया। 400 करोड़ का घोटाला, वो भी 4000 लोगों के साथ। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैला हुआ है और इस खबर को मैंने दिखाया, लेकिन जो होता है इस देश में वही हुआ। फिर में देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी नजफगढ़ जिला से अध्यक्ष हैं ये राजमणि जी। राजमणि जी, 400 करोड़ घोटाला का आपने देखा है वीडियो? बिल्कुल देखा है। क्या देखा है वीडियो में आपने? मीडिया के थ्रू देखा, जिस तरह से आपने वाला मीडिया के थ्रू देखा कि जिस तरह से ये वायरल हो रहा है, हमें तो बहुत अचंभा हुआ। एल जोन द्वारका के जो एरिया है, उनको एल जोन में इन्होंने लोगों को बताया, जो नौकरी फौजी लोग थे उन लोगों को बताया, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाके बताया। के लोग थे, बिहार के, झारखंड के, यूपी के लोग थे, अलग अलग जाके बताया कि जो 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी, जो फ्लैट द्वारका में मिल रहा है, वही प्रॉपर्टी मैं आपको 40 से 45 लाख के बीच में एल जोन के दूंगा। ये पूरा स्कैम था, ना कोई प्रॉपर्टी ली थी इन्होंने, किसी तरह को कोई प्रॉपर्टी नहीं ले, सिर्फ कागजों पर इन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। और इसका पुख्ता इसलिए होता है कि जब 2019 में इन्होंने बोला था कि 2019 में हम दे देंगे सबको फ्लैट दे देंगे, 2019 में जब लोग इनके पास जाने लगे तो बिल्कुल ये कुछ लोग, तो एक मिश्रा जी थे, उन्होंने ये बोला कि मैं मोदी जी से प्रभावित होकर के महिला सशक्तिकरण के थ्रू मैं अपने बहू के नाम से फ्लैट बुक करता हूं। लेकिन जब 2019 आई तो उसी उनको फ्लैट के नाम पे छलावा मिला, कुछ नहीं मिला, ना तो आज तक वो प्रूफ हुआ। बिना प्रूफ के ये कैम डेवलपर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी। ईडी की मांग करता हूं इस लेवल पे, इस मुद्दे पर जो कोई उठाता ही नहीं, ना तक आज तक केस तो दर्ज हुआ। तो आपने जैसा कि बताया, कई जो न्यूज वाले हैं जो कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन वो सामने आके बताना भी नहीं चाहती कि इस कंपनी से कोई लेना है, कोई देना है, ये बात भी नहीं रखती। यदि आप निष्पक्ष हो, आपने कोई घोटाला नहीं किया, आपको सामने आके बात तो रखनी होगी, क्योंकि आप कैंडिडेट हो, देश के लिए काम करने जा रहे हो। तो इस तरह की ये तानाशाही है जो उजागर हो चुका है, आप देख चुके हैं, ये बहुत वायरल हो गया देश में। जो देश के लिए जो सेना काम करी है, उन लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। क्या आपको लगता है कमलजीत जी को ये जो घोटाला हुआ है 400 करोड़ रुपया का, जो इनका नाम आ रहा है, इनके परिवार का नाम आ रहा है, इनके परिवार के सहयोग से जो घोटाला हुआ है, क्या कमलजीत जी को जवाब देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। जवाब फिर क्यों नहीं देते हैं ये? ये तो उनकी गलती है ना, क्यों नहीं देते? पर देनी तो चाहिए। आप मांग करते हैं जवाब दे, वो जरूर मांग करेंगे। आपको क्या लगता है, जवाब देना चाहिए उनको? जरूर जवाब देना चाहिए। 100 करोड़ के मामले में अरविंद केजरीवाल जी को घसीट कर तिहाड़ ले जाया गया, 400 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हो गया, कोई एक्शन नहीं, कोई CBI नहीं, कोई ED नहीं, क्या हो रहा है देश में? इस देश में तानाशाही चल रही है, जिसको उठाओ, जिसको मन चाहो पकड़ के अंदर कर लो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गया, संजय जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी, स्कूलों के लिए काम किया, अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया इन लोगों को, फिर भी अंदर PMLA केस के अंदर कर रखा है, और उस केस के अंदर जब तक चाहेंगे ये लोग अंदर रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल तानाशाही है। जैसे और यदि मान लें कि संजय जी है, अरे इनके पार्टी में चले जाते तो बिल्कुल सारा सब, यानी BJP के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, जैसे अजीत पवार ले लीजिए, मैं एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अशोक चौहान ले लीजिए, इतना बड़ा आदर्श घोटाला, नवीन जिंदल ले लीजिए, छगन भुजबल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि BJP में गए और इनके नाम को बिल्कुल बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, उनके नाम पे कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। इस तरह देश तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वोट है, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमको एजुकेशन पर वोट करो, कभी नहीं करो। मोदी जी कहेंगे कि हमने काम किया है, इस पे वोट दो। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, उसके ऊपर वोट मांगते हैं। हमारी मांग है, सारी जनता की मांग है कि काम के ऊपर वोट मांगो। यदि तुमने काम किया है, काम करके दिखाए, उस पे वोट मांगो। काम तो हुआ ना, 400 करोड़ घोटाला। ये घोटाला किसी पर्सनल आदमी के हो गया, उसका हो गया ना, कमलजीत सहरावत के परिवार के घरों में गया ये,
400 लोग क्या लग रहा है, जो पैसा 400 करोड़ घोटाला जो हुआ है इसी पैसे से कैंपेन कर रही है क्या ये? देखिए कैंपेनिंग, देखिए इनका घर देखे हैं? हाँ देखे, इनका घर देखे कितना आलीशान की तरह, द्वारका जैसी जगह में ताजमहल दिख, मतलब ये इतनी बड़ी, मतलब देख करके दूर से ही लगता है कि क्या महल बनाया है इन्होंने। और सब जगह वो बीजेपी का प्रचार, दुनिया भर की गाड़ियां, इतनी गाड़ियां लगी रहती है इनकी, इतना पैसा आया कहां से? आप सोच के देखिए इतना पैसा आया कहां से? तो आप लोग बताइएगा ना, पैसा हम तो सवाल कर ही रहे हैं। इसका स्कैम का सारा पैसा ये लोगों में बांट रही है और कर, मतलब ये अथाह पैसा लोगों को बांटने में लगा रही हैं, चुनाव प्रचार में लगा रही हैं। वो काम आने वाला इस बार नहीं है, इस बार काम की वोट मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से महावल मिश्रा जी खड़े हैं, वहीं पर ये कमलजीत खड़ी है। 400 करोड़ स्कैम हो गया, कोई उठा नहीं रहा इस मुद्दा को। आप पहली बार कैमरा के सामने आए, आम आदमी पार्टी से सामने आए, जो बता रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज फैला रहे हैं, क्या मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए अब? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मैं आपको बताया ना, वॉशिंग मशीन, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं। इनमें से कुछ कंपनी, ये आप, मैं आपको बता रहा हूँ फंडा क्या है, इसमें से कुछ पैसे बीजेपी को भी गया होगा। ऐसा है क्या? क्या लोग भी गया होगा, कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ईडी के ये रेड मारते हैं गाय की कंपनी, उसको उसके पे रेड मारा, उसके ठीक 5 दिन बाद 250 करोड़, ये तो किसी से छुपा नहीं हुआ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत इनको मिला, बीजेपी को पार्टी को मिला। और एक बात बताऊं, जिस शराब घोटाले की ये बाजाज कर रहे हैं सब कुछ, इसी घोटाले के काम पर जो रेड्डी है उन्होंने 61 करोड़ रुपया इनको, उनको बीजेपी को चंदा को दिया। तो बेनिफिट किसको होगा, पैसा किसको मिल रहा है, इनके कंपनी को मिल रहा है। 2014 से शुरू हुआ ये घोटाला का खेल और अब है 2024 और लोकसभा चुनाव है। सोचने वाली बात यह है कि 2014 के बाद एक और नेता लॉन्च हुए थे, मनोज तिवारी। कहीं मनोज तिवारी भी तो इन्वॉल्व नहीं सब चीज़ों में है? देखिए मनोज उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे। सुनने में यह आता है कि ये बीजेपी की कद्दावर नेता है और मनोज तिवारी के साथ इनका काफ़ी, मतलब कि घनिष्ठता है। अभी एक वीडियो देखा मनोज भाई के, मनोज जी का, मनोज तिवारी का, वो जब खाना खा रहे थे तब भाई से उसके आगे पीछे घूम रहे थे जैसे वो नौकर हो। तो अच्छा, ये कमलजीत के पीछे? नहीं नहीं, वो मोदी जी के पीछे ऐसे अच्छा। ऐसे घूम रहे थे जैसे वो उनके नौकर हो। हाँ। एक बात बताइए, प्रॉपर एक सांसद हो, अपनी बात रखे, जनता के बीच कुछ काम किए नहीं, दो गाना गा देते हैं और भी अनाप शनाप गाना गा देते हैं जो कि मैं आपके कैमरे पे गा भी नहीं सकता। तो इस तरह के जो लोग हैं ये कभी भी डेवलप। सवाल आपसे यह कर रहा हूँ मैं कि जब ये 14 का मामला है उस समय मनोज तिवारी भी एक्टिव थे और ये भी एक्टिव थे, तो क्या लग रहा है ये कनेक्शन जुड़ रहा है क्या दोनों में? देखिए कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन दूर तक है। और देखिए जब तक इसकी ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होगी, हम एक आम इंसान हैं, हम वहां तक कैसे पता, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको साठ गांठ है। या जिसके सवाल यह भी उठता है कि ये सवाल है पूर्वांचलों के साथ, ये सवाल है पूर्वांचलों के लिए, चूंकि जिनका पैसा गया, जिनकी गाड़ी कमाई गई लगभग 2000 से ज्यादा है पूर्व सैनिक और लगभग 2000 से ज्यादा है पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये लोग अपने कमाई का पैसा दिए हैं। इस केस में अभी सभी को पैसा वापस नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों को पैसा वापस हुआ है। जो मैं तो सवाल यह करता हूँ, मैं ये सुना हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कमलजीत सहरावत जी से, भले आप इस घोटाले में नहीं है लेकिन सवाल यह है, कभी आपने पूर्वांचलियों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ क्या आपने न्याय किया? कभी आपने इनका मुद्दा उठाया? कभी आपने इनको पैसा दिलाने का काम किया? कभी आपने कुछ कहा? नहीं कहा। मुद्दे की ये बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे ये सारा खेल रचा जा रहा था, इनका जो पार्षद का जो एरिया भी यही इन्हीं का था। जी हाँ, महापौर भी रही और इनका इलाका भी यही था, और इनके अधिक इतना बड़ा खेल रचा जा रहा था, उनके एड्रेस पे रचा जा रहा था, क्या इनको आगे नहीं आना चाहिए था? क्या इनको बिल्कुल आकर पूर्वांचलों से वोट मांग रही है कि पूर्वांचल के लोग हमें वोट करो, और सवाल है पूर्वांचलों का ही। बिल्कुल, ये बिल्कुल इस बार पूर्वांचल के लोग समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। तो इनको इस बार बहुत अच्छी तरह से जवाब मिलने वाली है। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा
मोदी जी के अंधभक्त के रूप में है, उनकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। उनको मैं अपना गर्दन काट के भी दिखा दूं कि ऐसा होने वाला, तो वो मानते नहीं है। लेकिन इस बार लोग में समझ आ गई है, कारण है 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। परवेश वर्मा जी यहाँ आए भी नहीं, वहीं पे महाबल मिश्रा जी, ये खासियत रहा, पार्षद रहे, 3 बार विधायक रहे और रीडीए के सदस्य रहे, बहुत अच्छे काम किए। और जब सांसद नहीं थे तब पर भी लोगों के बीच में थे। जब लोग शादी का कार्ड लेके जाता था, कोई भी पूजा पाठ का कार्ड देने जाता था, या सुख में दुख में जब उनको बुलाता था, वो वहाँ पाते थे। क्या ये मुद्दा फैलेगा जन जन तक? ये फैल चुका है कि महाबल मिश्रा जैसा आजकल के डेट में दिल्ली में ही नहीं, भारत में ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। जो घोटाला जो हुआ 400 करोड़ का, जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ, ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, हर सभा में बताएंगे और हर सभा में बताएंगे, इन लोगों को बताएंगे कि जाइए सर्च कीजिए, मेरी बात मत मानिए और मीडिया रिपोर्ट में जाइए, उनका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई कीजिए, और जो लोग बोले हैं जाके उनको उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ। दर्द उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू उन लोगों ने भी जाहिर किया जिनके साथ ये घोटाला हुआ है। तो ये 100% ट्रू है, ये कोई मतलब तथाकथित बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है। और ये कहना है कि ये जन जन तक जाएंगे और 400 करोड़ घोटाला का उजागर करेंगे, चूंकि ये सवाल है पूर्वांचलों का और सवाल है पूर्व सैनिकों का, चूंकि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पूर्वांचल के जो लोग हैं काफ़ी तादाद में हैं, और कमलजीत सहरावत जो भाजपा के प्रत्याशी वो वोट मांग रहे हैं। बताना इसलिए भी जरूरी है भाई साहब कि यदि ये गलती से ये बन गई तो ये तो अभी 400 करोड़ का घोटाला किए है। अच्छा, ये 400 करोड़ का घोटाला किए, जब ये सांसद बन जाएगी तो किस लेवल पे घोटाला करेगी, इसका कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है। इसलिए इन घोटालों को से बचाने के लिए ये बहुत जन जन तक ये बात जाना जरूरी है। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो मुद्दा उठाया गया 400 करोड़ घोटाला का कितना असर डालती है। 4 जून को फैसला होगा कि जनता अपनी प्रत्याशी किसे बनाती है, लेकिन 400 करोड़ घोटाला हमेशा उठता रहेगा क्योंकि 4000 लोगों के साथ ठगी की गई है। और एक बात और बताना चाहेंगे भैया, ये जो बात मैं रख रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर कुछ अटैक भी हो कुछ जाएगा। हो जाएगा तो मैं पुलिस प्रशासन को इस माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा इस मैं मेरी रक्षा का वो प्रबंध करें, और ताकि मैं मतलब मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन उससे मैं डरता नहीं हूँ। लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए और कि ये इस तरह का घोटाला आगे भविष्य में ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल का जवाब वोट से, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। क्योंकि महिलाओं के अरविंद केजरीवाल ने काम किया, इसलिए महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए कैमरा के काम किया। देखिए दिल्ली सरकार का HCCD कैमरा दिख रहा है, वहाँ जूम करके दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। इसी तरह का कैमरा हर जगह लगाया गया है, लेकिन 400 करोड़ जो घोटाला हुआ वहाँ पर कहीं ना कहीं कैमरा नहीं लगा हुआ था। अगर कैमरा लगा हुआ होता तो सच्चाई जनता के बीच होती, और कमल जी सहरावत जो खुले मन से कह रही है कि मेरा कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो पकड़ी जाती। हम तो जनता से अपील करते हैं, प्लीज जितना हो सके जनता के हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।